हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के स्टडी रूट में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को हम बताएंगे भौतिक मानव भूगोल एवं द्वैतवाद की व्याख्या। ये वीडियो सेकंड रहेगी, यानी कि इसके पहले मैंने आपको भूगोल पेपर फर्स्ट यानी बी थर्ड ईयर वालों के लिए आपको आपके सारे चैप्टर वाइज क्लासेस बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, उसमें था आपका हम्बोल्ट के बारे में, और इसमें आपको बताएंगे हम भौतिक मानव भूगोल में द्वैत की व्याख्या। तो टॉपिक अच्छा है दोस्तों, सेशन अच्छा चल रहा है और पेपर भी नज़दीक है, तो इससे अच्छा आपके लिए कोई कुछ है नहीं दोस्तों। बने रहे हमारे YouTube चैनल ए के स्टडी नोट के साथ, जिससे कि सारे आपके पेपर, सारे आपके सिलेबस वाइज आपके चैप्टर के क्लासेस, तो आपके बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। आप लोग अच्छे से जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, और अभी तक जिस छात्र छात्राएं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप लोग तक पहुंच सके और आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट भी होने का चांस भी मिल सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग अपना पेपर को तैयार करते रहिए और पेपर में अच्छे से आप लोग दे के आइए। और हमारी यही विश रहेगी गॉड से भी और सबसे भी कि आप लोग अच्छे से आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। तो दोस्तों, इस तरीके से आइए चलते हैं आपको आपके क्लासेस की ओर, की जो आपका टॉपिक है टॉपिक की ओर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप लोग बिल्कुल घबराएं ना कि पेपर हमारा किस तरीके से होगा, क्योंकि पेपर नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग केवल स्टडी करते चलिए। स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका सिलेबस से आप क्या करेंगे कि अपना जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लोग अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है उसी के अनुसार आप लोग अपना तैयार करते रहिए। कंप्रेशन है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए लेके चलते हैं आपको चैप्टर की तरफ। भूगोल में मानव एवं भौतिक की द्वैधता का एक महत्वपूर्ण कारण प्रारंभ में भौतिक भूगोल का अधिकाधिक संकुचित अर्थों में प्रयुक्त करना भी रहा। यानी कि भूगोल में जो मानव एवं भौतिक भूगोल की द्वैधता का एक महत्वपूर्ण जो कारण था वो क्या था दोस्तों, वो था भौतिक भूगोल का अधिक से अधिक संकुचित अर्थ जो प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि उसमें प्रयोग किया जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक एवं मानव भूगोल का द्वैधपूर्ण। इसमें क्या है आपका, भौतिक भूगोल में 20वीं सदी के प्रारंभ में मात्र अजैविक भूतल के अध्ययन को ही सम्मिलित किया, यानी कि जो अजैविक भूतल है, यानी कि जो जैविक से बिना जैविक भूतल होते हैं, अजैविक भूतल होते हैं। तो अजैविक भूतल होता है जिसमें तत्वहीन होता है भूतलों में, यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड का भूतल तत्व होते हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको सम्मिलित किया गया है। उसमें से वनस्पति जीवन एवं मानव प्रजातियों के अध्ययन को भी निकाल दिया गया है। मतलब इस जो आपको यहाँ पे भौतिक भूगोल में और मानव भूगोल में द्वैत में बताया गया है, तो इसमें से क्या निकाला गया आपका, इसमें से वनस्पति जीवन एवं प्रजातियों के अध्ययन, यानी कि ये दोनों अध्ययन को यहाँ पे ऐसे निकाल दिया गया है। अब इससे जैव भूगोल और प्रजाति भूगोल आदि शाखाओं का जन्म हुआ, यानी कि इसको दोनों से निकालने पर यहाँ पर आपका जैव भूगोल आ गया और प्रजाति भूगोल आदि का शाखाओं का जन्म हुआ। ब्रिटेन, अमेरिका एवं कुछ यूरोपीय देशों में तो 19वीं शताब्दी में अजैविक भौतिक भूगोल का अध्ययन विशेषकर भूतल के भौतिक लक्षणों को भूविज्ञान का विषय माना गया है। यानी कि जो ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ यूरोपीय देशों में जो 19वीं शताब्दी से पहले जो अजैविक भौतिक भूगोल था उसका अध्ययन जो माना गया है वो विशेषकर भूतल के भौतिक लक्षण, यानी कि जो भूतल हमारा है वो उसके भौतिक लक्षणों को हम लोग क्या मानते हैं, उसको मानते हैं इस चीज़ें किसे कहा जाता है, हमें ये किसे कहा जाता है, ये हमारे भूविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कुछ देशों में तो इतिहास व भूगोल विषय के सम्मिलित विभाग अध्यक्ष, यानी कि जो विभाग अध्यक्ष थे हैं को ऐसे विषय पढ़ाने का भी अधिकार था, यानी कि जो विभाग अध्यक्ष थे उनको पढ़ाने का पूरा अधिकार भी दिया गया था। इसकी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ज़बरदस्त आलोचना भी हुई, जो यानी कि जो 19वीं सदी में इसका आलोचना भी किया गया। भूगोल ऐसे विभाजन एवं ध्रुवीकरण के सक्षम कटाक्ष करते हुए, यानी कि वहाँ से फेयर ग्रीप पूछते हैं, क्या भूगोल का निहित उद्देश्य
मानव बनाम शेष तत्व, यानी कि मनुष्य और जो बचे हुए तत्व हैं हमारे, अथवा जैविक बनाम अजैविक तत्व, यानी कि जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं। जैविक का मतलब होता है जो ग्रो करे, और अजैविक का होता है जो ग्रो ना करे, यानी कि जिसका कोई मतलब ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अध्ययन करना है, यानी कि उस तत्व को अध्ययन करना ही है। तो इन्होंने फेयरग्रीव जी इस बात को यहाँ पे टिप्पणी किया है, और बुलरिच एवं ईस्ट जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपको, उनके उनका क्या मत है, भूगोल विषय का भौतिक एवं मानव दो भागों में विभाजन पूर्णतः अमान्य द्वैधता दर्शन है। भौतिक प्रकृति यानी भौतिक है यानी प्राकृतिक, एवं मानव भूगोल तो एक ग्लोब के ही दो पहलू हैं, यानी कि भौतिक एवं मानव भूगोल, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जो ग्लोब के दो पहलू हैं, यानी कि अलग अलग दो नियम हैं। इस प्रकार द्वैधता के चिंतन का जन्म से ही कठोर विरोध या आलोचना का सामना करना पड़ा है, यानी कि जो द्वैधता का चिंतन है वो मतलब जन्म से ही, यानी कि उसकी शुरुआत से ही कठोर विरोध हुआ और इसका आलोचना भी हुआ। हर्बर्टसन ने तो यहाँ तक कहा है, यानी कि हर्बर्टसन महाशय जी ने कहा है कि भूगोल रूपी सजीव इकाई का दो अर्धकों में बांटना उसकी हत्या करना है, यानी कि उन्होंने कहा भूगोल रूपी जो सजीव है उसको अगर दो, जो सजीव ये इसको सजीव के रूप में इन्होंने माना है, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को इन्होंने क्या माना है, सजीव के रूप में माना है, और इसको दो अर्धकों में, यानी कि जैसे जो अर्धक हो गए इसको, इसको दो भागों में इन्होंने जब अगर बांट दिया जाए तो इन्होंने क्या कहा है इसको, इसको क्या कहा है, हत्या के समान माना है। अतः यह हत्यारे जैसा कार्य है, और यह एक हत्यारे जैसे कार्य इन्होंने माना है। अब आपका आ गया नेक्स्ट है, इसमें आपका हेडिंग दे रखा है दोस्तों, यानी कि भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की द्वैत मिथ्या, यानी कि इसकी जो मिथ्या क्या गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। पहला इसमें आपका भूगोल को दो पक्षों में कौन कौन से है, एक तो भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल में बांटना मिथ्या विभाजन है, यानी कि इसका जो है वो क्या है, मिथ्या विभाजन कहते हैं इसको। वास्तव में भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी तल पर तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण का अध्ययन करता है, यानी कि जो पृथ्वी तल है उसके जो तथ्य हैं, जो छोटा छोटा हर चीज़ हर विषय में बटा हुआ है उसका जो वितरण, क्षेत्रीय वितरण हो गया, उसको अध्ययन करने करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, भूगोल। और उस अध्ययन में भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों का क्षेत्रीय वितरण सम्मिलित रहता है, यानी कि इसमें आपको एक तो मानव जैसे मानव के सारे भूगोल, और दूसरा जो प्राकृतिक यानी भौतिक में जैसे सूर्य चांद तारे पृथ्वी इत्यादि, पृथ्वी से संबंधित सारी चीज़ें आपको उत्पन्न हुई किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सम्मिलित किया गया है। अतः भूगोल तो एक संपर्क विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों के बीच पुल के समान कार्य करके भौतिक और मानवीय तत्वों में संपर्क स्थापित करता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है जो प्राकृतिक विज्ञान है तथा सामाजिक विज्ञान है दोनों पुल के समान है, और दोनों पुल के समान यानी कि दोनों पुल के समान कार्य करते हैं। केवल विद्वत परिषदों द्वारा अध्ययन के लिए अर्थात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों कॉलेजों आदि शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन किए गए सुविधा के विचार से भूगोल को दो पक्षों में, एक तो आपका भौतिक और मानवीय पक्षों में बांट लिया जाता है। भूगोल में पृथ्वी तल पर स्थित संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और ये संबंध मानवीय तथा अमानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों में होते हैं। इसमें आपका मानवीय और अमानवीय यानी कि एक मानकरण होता है और दूसरा अमानकरण होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों तथ्यों को माना जाता है। अब आपका आ गया भौतिक भूगोल में संबद्धता की कमी, यानी कि भौतिक भूगोल में संबद्धता की कमी। केवल इतना ही नहीं कि अध्ययन की सुविधा के लिए भूगोल दो पक्षों में, एक तो मानवीय और दूसरा प्राकृतिक पक्षों में बांट लिया गया है, वरन इसमें से प्रत्येक पक्ष के उपभाग कर दिए गए हैं, मतलब इसमें से कुछ विभागीय स्तर पर बांट दिया गया है। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है यहाँ पे, एक तो प्राकृतिक पक्ष में के भी दो भाग और भौतिक भूगोल तथा जैव भूगोल कर दिए गए हैं, यानी कि प्राकृतिक पक्ष में दो भाग हैं, कौन कौन से, भौतिक भूगोल आ गया और दूसरा जैव भूगोल।
ये इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिसको भौतिक भूगोल कहा जाता है, और उसमें स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का तथा जैव भूगोल में संसार की प्राकृतिक वनस्पति और जंतु जगत का अध्ययन होता है। यानी कि यहाँ पे आपको जो जैवमंडल है उसमें स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल तथा संसार की प्राकृतिक वनस्पति, जैसे वनस्पति में आपको बता दें हम जंगल हो गया, उसमें जो सारी चीज़ें झाड़ियाँ और मरुस्थल हैं, ये सारी चीज़ें जो वनस्पति से संबंधित होते हैं वहाँ पे आपको अध्ययन किया जाता है। वास्तव में थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे में नितांत अलग नहीं होते, वरन परस्पर इस एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि जलमंडल, थर्मंडल, ये सारे चीज़ें एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के ग्रह के रूप में किया गया है, यानी कि भूगोल में जो पृथ्वी का अध्ययन है वो मानव के ग्रह के रूप में किया गया, यानी उसके जो ग्रह यानी कि उसके अंदर की सारी चीज़ें उसके तुलनात्मक रूप से किया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक वातावरण का समस्त मिश्रित योग सम्मिलित है। यानी कि जो मिश्रित योग है यानी कि जिसमें सारी चीज़ जुड़े हुए हैं, अतः भौतिक वातावरण के मिले जुले रूप को ही हम क्या कहते हैं, वो हम भौतिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक भूगोल हो की तरह हम यहाँ पे कहते हैं। फिर भी केवल शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन के विचार से भौतिक भूगोल में थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल को अलग अलग करके विचार किया जाता है। यानी इस पृथक्करण से भौतिक भूगोल से संबद्धता की कमी हो जाती है, अर्थात इस विषय के विभिन्न अंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग समझ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें बताया। अब नेक्स्ट आपका आ गया भूगोल का अन्य भौतिक विज्ञानों के साथ संबंध बताइए, यानी कि भूगोल के अन्य भौतिक विज्ञान जो हैं उसके साथ जो संबंध है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग कभी भी इस तरीके से मत भूलिए कि ये हमारे पेपर में नहीं आएंगे। तो पेपर में आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं दोस्तों, और आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो मैं जो आपको जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे पेपर से जुड़े हुए हैं और आप में के पेपर में सबके पेपर में आते हैं। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल AK स्टडी नोट के साथ, जो आपको भविष्य में कभी भी आप लोग तैयारी करेंगे, कभी भी आप लोग पेपर का करें तो आपको कभी भी निष्फल नहीं होने देगा। नेक्स्ट है आपका आपको उत्तर की ओर, भूगोल भूपटल के घटना दृश्यों की मानव पर्यावरण संबंध की परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। यानी कि जो उसके घटना दृश्य हैं और जो मानव पर्यावरण से संबंध रखते हैं, यानी कि परिधन आवरण, यानी कि चारों तरफ से परिधन आवरण का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ, और जो मानव पर्यावरण होता है उसके परिप्रेक्ष्य यानी कि उसके उपेक्ष यानी कि उसके उपेक्षा में विवेचन करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में उन उप विषयों का भी समावेश है जो दूसरे अनुशासनों का के भी अंग हैं। फलतः भूगोल आज एक अंतरा अनुशासिक विषय बन गया है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या निम्नलिखित से जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पहला आपका है भूगोल तथा खगोल विज्ञान। भूगोल में क्या है यहाँ पे आपका पहला देखा भूगोल तथा खगोल विज्ञान। सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ तथा ग्रहीय संबद्ध, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आदि विषयों का अध्ययन खगोल विज्ञान तथा भूगोल दोनों में ही होता है, अतः इन दोनों का निकटवर्ती संबंध है। यानी कि संबंध क्या है इसमें दोनों आपका खगोल विज्ञान और भूगोल में, यहाँ पे आपको सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आदि विषयों का जो अध्ययन किया जाता है वो तो खगोल विज्ञान से निहित किस में है, भूगोल, दोनों में ही यहाँ पे आपको इसको क्या कहते हैं मिश्रक, इसको क्या कहते हैं मिश्रित भूगोल कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको संबंध रखता है खगोल विज्ञान और भूगोल से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा आपका दे रखा है भूगोल तथा भूविज्ञान। भूगोल की भांति भूविज्ञान में भी चट्टानों के वितरण जैसे नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, अपक्षय, अपरदन आदि घटनाक्रमों का अध्ययन होता है, इसलिए भूगोल का भूविज्ञान से संबंध रखता है। यानी कि ये भूविज्ञान है यानी कि हमारी जो पृथ्वी की सारी चीज़ें हैं यानी कि धरातल जिसे हम कहते हैं
उससे जो अपेक्षित सारी चीज़ें हैं यानी कि संबंध रखती हैं उसको हम भूगोल से संबंध कौन कौन चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बता दें, यानी कि जो हमारे भूविज्ञान से संबंधित है चट्टान हो गई, नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, पठार सारे हो गए, हमारे मैदान सारे हो गए, अपक्षय और अपरदन, अपक्षय अपरदन के बारे में मैंने बताया था, और नहीं बताया होगा तो मैंने आपको उससे पहले वाले जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर के उसमें मैंने बताया है आपको। आदि घटना कर्मों का अध्ययन होता है, इसलिए भूगोल का भूविज्ञान से संबंध है, यानी कि भूगोल यहाँ से और भूविज्ञान में संबंध आपको मिल गया। तीसरा आपका आ गया भूगोल तथा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में क्या है और भूगोल से संबंध क्या रखता है, आइए यहाँ पे हमको बताते हैं। इनसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जंतु शास्त्र को वनस्पति शास्त्र सम्मिलित हैं। से भूगोल में उन सभी सिद्धांतों का उपयोग होता है जो भौतिक विज्ञान से संबंध रखते हैं, जैसे ज्वारभाटा की उत्पत्ति भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों पर, चट्टानों की रासायनिक संरचना यानी कि रसायन शास्त्र पर, जंतुओं व वनस्पति का वितरण जंतु व वनस्पति शास्त्र पर आधारित है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हमारी विज्ञान है वो भूगोल से जुड़ी है, और जो भूगोल है वो विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से ऐड है, ये सारी चीज़ें हमारी भौतिक और भूगोल से संबंध रखती है। चौथा आपका आ गया भूगोल तथा ऋतु विज्ञान या एवं जलवायु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान से संबंधित रखने वाले, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, किसी प्रदेश में मानव जीवन तथा क्रियाकलापों पर जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो किसी भी प्रदेश का हो, जो मानव जीवन की एक रेखा होती है उसमें से निहित जो क्रियाकलाप मनुष्य करता है उसी के अनुसार वहाँ की जलवायु बन जाती है, यानी कि ये क्या, इसका कहने का मतलब यहाँ से आपको पता होगा, जलवायु के अनुसार ही वनस्पति जीव जंतु होते हैं, जैसे जहाँ की जिस प्रकार जलवायु है वहाँ वनस्पति उसी तरीके से होगी, वहाँ के जीव जंतु भी उसी तरीके से होंगे, और इसीलिए भूगोल के अध्ययन में ऋतु एवं जलवायु का विश्लेषण आधारभूत होता है, यानी कि वहीं इसी के अनुसार ही भूगोल वहाँ का बनता है। समझ में आया होगा दोस्तों इस तरीके से आपको। अब आपको नेक्स्ट की ओर चले चलते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवा है भूगोल तथा समुद्र विज्ञान, किसी प्रदेश के जल संसाधनों एवं जल शक्ति की क्षमता और विकास का अध्ययन भी भूगोल में होता है, यानी कि यहाँ के जो जल संसाधन है और जल शक्ति है इसका भी हम लोग कहाँ ज्ञान करते हैं, यानी भूगोल में ही सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलता है, जैसे बंदरगाह हो गए तथा समुद्री परिवहन हो गए, ज्वारभाटा हो गए, धाराएं हो गए, आदि का विस्तृत अध्ययन भूगोल का मुख्य विषय है, यानी कि जो हमारे जो विज्ञान है ये सारी चीज़ें हमें भूगोल में मिलती हैं। तो हम लोग कभी भी इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भूगोल है हमें यहाँ से सारी चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। तो ज्वारभाटा भी हमारे यहाँ धाराएँ हो गई, धारा जैसे गर्म धारा हो गई, उसके बाद में फिर ठंडी जल धाराएँ हो गई, तो इस तरीके से सारे धाराएँ हमें ज्ञात भूगोल में ही मिलती हैं। और इस तरीके से जो जो मैंने आपको सारी चीज़ बताया कि भूगोल और विज्ञान से किस प्रकार से संबंध रखता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। और इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।